जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज है 19 जून। स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, डेली मॉर्निंग में 4:30 पर करंट अफेयर्स का एक महत्वपूर्ण क्लास लेकर आता हूँ, जो कि आपके अपकमिंग सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए वीडियोज़ को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखा करें। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं डेली कहता हूँ, डेली 10 मिनट का समय जरूर निकालें और इस 10 मिनट में आपके लिए करंट अफेयर्स के साथ साथ दोस्तों 50 से 60 फैक्ट बताता हूं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। इसी तरह के रेगुलर वीडियोस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में जो घंटी उसको ऑन कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो को एक लाइक करके मोटिवेट करिएगा, तो फटाफट एक लाइक कर दीजिए। इस वीडियो को शेयर जरूर करें सभी मित्रों के साथ, ताकि सभी हेल्प हो सके। तो मॉर्निंग में अच्छा काम करिए, सभी को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, फेसबुक, व्हाट्सएप, जो भी स्टडी ग्रुप है सभी में जल्दी से शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फटाफट महत्वपूर्ण सेशन। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, नवंबर 2019 में वर्ल्ड फूड इंडिया का आयोजन कहाँ किया जाएगा। देखिए दोस्तों, वर्ल्ड फूड इंडिया का आयोजन कहाँ किया जाएगा, न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में। और ये कहाँ दोस्तों कब होगा ये, तो वर्ल्ड फूड इंडिया का आयोजन 1 नवंबर 2019 नई दिल्ली में होगा और ये 4 नवंबर तक चलेगा। और इस प्रोग्राम में दोस्तों भारत को विश्व खाद्य प्रसंस्करण का गंतव्य स्थान बनाएगा, यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोसेसिंग का गंतव्य स्थान बनाएगा। और देखिए दोस्तों, अगर बात करें यहाँ पे भारतीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में 11% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो कि वैश्विक उद्योग की गति से दोगुनी है। ठीक है, डबल है। अगर बात करें यहाँ पे न्यू दिल्ली की, तो न्यू दिल्ली के वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल कौन है, वो है अनिल बैजल जी। अनिल बैजल जी हैं वर्तमान में उपराज्यपाल। और आप सभी को पता है सीएम कौन है, आके चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल। ठीक है, अरविंद केजरीवाल हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण सम्मेलन समारोह का आयोजन कहाँ पे होगा वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आयोजन का बात हो रही, जितने भी महत्वपूर्ण सम्मेलन और 2018-19 में हुए वो आपको रिवाइज करा देता हूँ मैं। देखिए, सबसे पहला आपको याद रखना दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP24 का आयोजन कहाँ पर हुआ है, दिसंबर 2018 में। तो ये हो दोस्तों पोलैंड में। ठीक है, पोलैंड में हुआ है, ये जरूर याद रखेंगे। इसके अलावा 106वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2019 का आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो जनवरी 2019 में दोस्तों जालंधर पंजाब में हुआ है। ठीक है, 106वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन। पहला ग्लोबल एविएशन समिट 2019 कहाँ पे हुए है, पहला ग्लोबल एविएशन समिट 2019 कहाँ पे हुए दोस्तों, ये तो पहला ग्लोबल एविएशन समिट दोस्तों ये कहाँ पे, मुंबई महाराष्ट्र में। कब हुई है, 15-16 जनवरी 2019 के बीच। 15वां प्रवासी भारतीय दिवस वाराणसी यूपी में इस बार आयोजित किया गया है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखें 26वां राष्ट्रमंडल राष्ट्राध्यक्षों का शिखर सम्मेलन, कॉमनवेल्थ के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनका शिखर सम्मेलन समिट कहाँ पे आयोजित होगी, ये मलेशिया में होगी 2020 की। ठीक है, कॉमनवेल्थ के राष्ट्राध्यक्ष का शिखर सम्मेलन कहाँ पे होगा, मलेशिया में 2020 में। ठीक है, इसके अलावा 15वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित होगा, रियाद सऊदी अरब में 2020 में। कहाँ पे होगा ये, 15वां G20 शिखर सम्मेलन रियाद सऊदी अरब में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो ये महत्वपूर्ण सम्मेलन समारोह से रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको रिवाइज कराया हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट दोस्तों। हाल ही में मोहम्मद मुर्सी का निधन हो गया है, वो किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे। तो हाल ही में दोस्तों मोहम्मद मुर्सी का निधन हो गया, वो किस देश के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका मिस्र के थे, ऑप्शन बी। ठीक है, मिस्र। देखिए दोस्तों, ये जो है अदालत में सुनवाई के दौरान गिरने के बाद इनका निधन हो गया है, और वो देश के पहले लोकतांत्रिक रूप से चुने गए राष्ट्रपति थे। ठीक है, अगर दोस्तों यहाँ पे हम बात करें मिस्र की यानी इजिप्ट की, देखिए इजिप्ट की कैपिटल क्या है, मिस्र की कैपिटल क्या है, काहिरा है। और प्रेसिडेंट वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है, ये तो फॉर्मर प्रेसिडेंट है, वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है यहाँ पे, करंट टाइम पे प्रेसिडेंट है अब्देल फतेह अल सीसी। अब्देल फतेह अल सीसी यहाँ के प्रेजेंट में प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, और बात करें अगर करेंसी की, तो करेंसी है यहाँ की पाउंड। ठीक है, इजिप्टियन पाउंड जो है यहाँ की करेंसी है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो ये जो है दोस्तों आपको इतने फैक्ट पता होना चाहिए। ठीक है, तो हाल ही में मोहम्मद मुर्सी का निधन हो गया, वो किस देश के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, पूर्व राष्ट्रपति थे, तो मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। जून 2019 में जारी नवीनतम WTA रैंकिंग में वर्ल्ड नंबर 1 के स्थान पर कौन है। तो देखिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका कहाँ की है, कंट्री आपको याद रखें जापान की है, और सर्बिया के नोवाक जोकोविच नवीनतम WTA और ATP रैंकिंग में वर्ल्ड नंबर 1 बने हुए हैं। कौन कौन, जापान के नाओमी ओसाका और सर्बिया के नोवाक जोकोविच। नवीनतम WTA यानी कि वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन, WTA का फुल फॉर्म क्या होगा,
वीमेंस टेनिस एसोसिएशन। ठीक है, देखिए वुमेंस टेनिस एसोसिएशन WTA की बात करें, उसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इसकी स्थापना की गई थी जून 1973 में। ठीक है, जून 1973 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसके प्रेसिडेंट कौन है वर्तमान में? तो इसके प्रेसिडेंट है वर्तमान में मेके लायर। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों कि नाओमी ओसाका जापान की, आपको जरूर याद रखना है। और सेरेना विलियम्स कहाँ की है? ये सेरेना विलियम्स US की हैं। ठीक है, US की है। और मारिया सारोपावा कहाँ की हैं? तो मारिया सारोपावा रूस की हैं। ठीक है, रूस की। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, कितने पत्रकारों को पत्रकारिता के प्रति उनके योगदान हेतु मातृश्री मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो जर्नलिस्ट को दोस्तों जर्नलिज्म के क्षेत्र में मातृश्री मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया, कितने पत्रकारों को, कितने जर्नलिस्ट को? 29। ठीक है, देखिए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के 29 जर्नलिस्ट को पत्रकारिता यानी जर्नलिज्म के प्रति योगदान के लिए मातृश्री मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखिए दोस्तों, ये जो अवार्ड है मातृश्री मीडिया अवार्ड, इसका गठन जो है आपातकाल के दौरान किया गया था। फर्स्ट प्राइज किसको मिला था? यहाँ पे अगर बात करें कि फर्स्ट मातृश्री मीडिया अवार्ड किसको मिला था? लाला जगत नारायण को, लाला जगत नारायण को प्रदान किया गया था। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, उत्तरी दिल्ली नगर निगम के पूर्व महापौर आदेश गुप्ता को भी समाज सेवा में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो जर्नलिस्ट को दिया गया है जर्नलिज्म के प्रति उनके योगदान हेतु मातृश्री मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है, कितने पत्रकारों को? 29। तो अगर यहाँ से आपसे अभी क्वेश्चन पूछा जाए मातृश्री अवार्ड किसे संबंधित, तो मीडिया से संबंधित है। ठीक है, जर्नलिज्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सितंबर 2019 में संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन की पार्टियों के सम्मेलन के 14वें सत्र की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी मेजबानी करेगा दोस्तों अपना इंडिया। देखिए पहली बार जो है सितंबर 2019 में संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन की पार्टियों का सम्मेलन 14वें सत्र की मेजबानी इंडिया कर रहा है। ठीक है, और इसमें दोस्तों देखिए, भारत में भूमि क्षरण, मिट्टी की खेती हेतु आयोग होने वाली कई गंभीर समस्याओं की चर्चा की जाएगी। इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन की स्थापना की गई थी 1994 में, 1994 में की गई थी। ठीक है, तो ये आपको फैक्ट याद रखना है, इंडिया में आयोजित होगा। ये कब आयोजित होगा? 2 से 14 सितंबर के बीच आयोजित किया जाएगा। ठीक है, 2 से 14 सितंबर के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदांत का पहला तैरता हुआ सोलर प्लांट किस राज्य में पूरा किया जाएगा? तो फर्स्ट जो फ्लोटिंग सोलर प्लांट दोस्तों, ये किस राज्य में होगा? ये तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों जो हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, ऑप्शन सी। देखो दोस्तों, वेदांत का पहला पायलट तैरता हुआ सोलर प्लांट, पायलट फ्लोटिंग सोलर प्लांट अगले 2-3 महीनों में पूरा हो जाएगा, और यह प्लांट राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के पास, चित्तौड़गढ़ के पास जो है स्थित होगा। ठीक है, और इसमें दोस्तों सोलर प्लांट से प्रतिवर्ष जो है 1993 मेगावाट की ऊर्जा उत्पन्न होने की संभावना है। ठीक है, 1993 मेगावाट की राजस्थान में होगा। तो यहाँ से रिलेटेड थोड़ा सा फैक्ट जान लेते हैं जो राजस्थान से रिलेटेड एग्जाम पूछा। सबसे सिंपल, पिंक सिटी जयपुर यहाँ की कैपिटल है। ठीक है, और CM कौन है वर्तमान में राजस्थान के? तो अशोक गहलोत है। डिप्टी CM कौन है? सचिन पायलट हैं। गवर्नर की बात करें तो कल्याण सिंह है। और एक जो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है, क्षेत्रफल दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। ठीक है, क्षेत्रफल दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। तो वेदांत का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट किस राज्य में पूरा किया जाएगा? राजस्थान में, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के पास। चलिए अगला क्वेश्चन, फिर हमारे लोकसभा के नए अध्यक्ष कौन होंगे? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों ये हमारा, लोकसभा के नए जो स्पीकर होंगे वो कौन होंगे? देखिए दोस्तों, लोकसभा के जो नए स्पीकर बन रहे हैं वो ओम बिड़ला। ठीक, ओम बिड़ला। तो देखिए दोस्तों, इनकी अगर बात करें कहाँ के प्रतिनिधित्व करते हैं ये, तो लोकसभा से कोटा बूंदी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं ये। इसके अलावा राजस्थान विधानसभा में 3 बार विधायक भी रह चुके हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये राजस्थान के 2 बार के बीजेपी सांसद ओम बिरला लोकसभा के नए स्पीकर होंगे। ठीक है, स्पीकर आप लोकसभा कौन होंगे? ओम बिरला होंगे। देखिए दोस्तों, अगर बात करें कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, पहले स्पीकर कौन थे, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है ये, तो गणेश वासुदेव मावलंकर, GV मावलंकर का पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर, लोकसभा के फर्स्ट स्पीकर थे। और देखिए दोस्तों, सुमित्रा महाजन, इससे पहले सुमित्रा महाजन थी इंदौर से जो थी ताई, और मीरा कुमारी की बात करें तो पहली महिला, फर्स्ट वोमेन स्पीकर थी। ठीक है, पहली महिला स्पीकर कौन थी? मीरा कुमारी थी। ठीक है, चलिए तो लोकसभा के नए अध्यक्ष होंगे, बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ओम बिड़ला होंगे, राजस्थान के कोटा बूंदी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं ये। अगला क्वेश्चन फिर हमारा, डिजिटल मुद्रा लिब्रा, लिब्रा जो है किसने लॉन्च किया, किस कंपनी ने लॉन्च किया है? देखो दोस्तों, ये लॉन्च किया है किसने? फेसबुक ने। ठीक है,
दोस्तों, फेसबुक ने लिब्रा नामक एक डिजिटल मुद्रा की घोषणा की है जो दुनिया भर में अपने अरबों उपयोगकर्ताओं को वित्तीय लेन देन करने की अनुमति देगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए दोस्तों, फेसबुक का मुख्यालय कहाँ पे है? कैलिफोर्निया US में है, अमेरिका में है। और देखिए दोस्तों, आप सबको तो पता ही, फेसबुक सभी यूज़ करते होंगे। ठीक है, तो फेसबुक के फाउंडर कौन थे? आखिर इस फेसबुक को किसने जो है बनाया था? तो फेसबुक को दोस्तों आप सबको पता है, मार्क जुकरबर्ग नाम के एक व्यक्ति हैं। मार्क जुकरबर्ग की आप फोटो में देख सकते हैं, इन्होंने जो है फाउंड किया था। यही है फेसबुक के फाउंडर। ठीक है, कब किया गया था इसकी स्थापना दोस्तों फेसबुक की? 2004 में। ठीक है, 2004 में किया गई था। और CEO चेयरमैन भी वर्तमान में मार्क जुकरबर्ग ही हैं। ठीक है, डिजिटल मुद्रा लिब्रा जो है किसने लॉन्च किया? फेसबुक ने लॉन्च किया है। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, क्या RBI का नया कार्यकारिणी किसे नियुक्त किया गया है? देखिए दोस्तों, RBI का नया कार्यकारिणी नियुक्त किया गया है किसको? डॉक्टर रवि एन मिश्रा को। ठीक है, डॉक्टर रवि एन मिश्रा को। देखिए दोस्तों, RBI की बात करें तो 25वें गवर्नर जो शक्तिकांत दास है वर्तमान में। हेडक्वार्टर कहाँ पर? मुंबई में है। इसकी स्थापना कब की थी RBI की? 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वर्तमान में, हेडक्वार्टर है कहाँ पे? मुंबई में है। RBI का नया कार्यकारिणी किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर रवि एन मिश्रा को। शक्तिकांत दास वर्तमान में RBI के गवर्नर हैं। ठीक है, चलिए अरविंद पनगड़ी की बात करें तो ये कौन थे? तो नीति आयोग के पहले CEO थे। वर्तमान में कौन है? अमिताभ कांत जी हैं। ठीक है, राजीव कुमार ये हैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष वर्तमान में। ठीक है, राजीव कुमार, डॉक्टर राजीव कुमार। अब देख लेते हैं लास्ट वीडियो का आंसर दोस्तों। हमारा क्वेश्चन क्या था? देखिए, जून 2019 में जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम की रैंक क्या है? 101। इसका करेक्ट आंसर तो 101। आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको फटाफट कमेंट बॉक्स में देना है, कौन कर्नाटक का पहला सौर ऊर्जा संचालित ग्राम पंचायत बन गया है? फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर लिखे। वीडियो पसंद है लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।